माय चैनल, कैसे आप सभी लोग? हैप्पी वीकेंड। तो दोस्तों, आज है वीकेंड सैटरडे, तो आप लोग अपना वीकेंड कैसे मना रहे हो? मेरा वीकेंड सो फार अच्छा जा रहा है और मैंने सोचा कि मैं आज ट्राई करती हूँ कुछ नया मेकअप। सो मैंने दोस्तों ये लिया है, ये एक्चुअली बहुत टाइम से मार्केट में आ गया है, बहुत लेट हो चुकी हूँ इसे ट्राई करने में। ये है ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन, आपको तो पता ही होगा। ये सिर्फ 100 रुपीज़ का आता है दोस्तों, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि ये मतलब बेस्ट फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है एंड अब सुपर अफोर्डेबल 100 रुपीज़ में अच्छी कवरेज आती है। सो मैंने सोचा वाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा एक फाउंडेशन ढूंढ रही थी जो मतलब अफोर्डेबल भी हो और कवरेज भी बेहतर दे, बढ़िया दे। सो मैंने लिया है ये ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन एंड सैटिन फिनिश फाउंडेशन है ये, 100 रुपीज़ का है। इसकी इंफॉर्मेशन, लिंक्स वगैरह, परचेज लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो। एनीवेज मैं पहले लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ अपने लिप्स पे। सो ये मैंने थोड़ा सा ब्लू हेवन का लिप बाम अप्लाई किया है, पिंक वाला। सो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड ये फाउंडेशन ट्राई करने। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि मेरा जो शेड मैंने लिया है वो नेचुरल ग्लो लिया है। इसमें बहुत सारे शेड्स है आई गेस, बट ऑब्वियसली अगर मैं फाउंडेशन ऑनलाइन परचेज करती हूँ तो मैं नेचुरल शेड्स ही लेना पसंद करती हूँ, एंड मेरे स्किन टोन के साथ भी अच्छे से सूट हो जाते हैं। एंड ये जो है दोस्तों, दिस इज ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन सैटिन फिनिश, इज अ मीडियम टू फुल कवरेज लिक्विड फॉर्मुलेशन दैट ब्लेंड्स इवनली एंड इम्पार्ट्स सॉफ्ट रेडियंस टू द स्किन ऑल डे लॉन्ग, लीव्स द स्किन स्मूथ एंड इवन्स आउट द कॉम्प्लेक्शन, हेल्प्स द मेकअप स्टे लॉन्गर ऑन द फेस। दिस इज हाइपोएलर्जिक एंड डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड। सो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके बारे में यहाँ पर। तो चलिए अभी बिगिन करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये कितना कवरेज देता है। फॉर नाउ मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, सो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं फाउंडेशन, तो मुझे पता नहीं है किस तरीके का होगा। एंड मॉइस्चराइजर यहाँ पे मैं बायो ब्लूम का सिंपल सा ये फेस मॉइस्चराइजर है जो मुझे फैब बैग में आया था, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, तो थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। वनीला, जोजोबा ऑयल, कुकुम्बर, बहुत कुछ है इसमें, कूलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम मैं कहूंगी। सो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा चिपचिपा लगता है मुझे, अदरवाइज ड्राई स्किन के लिए ये परफेक्ट है। सो थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं, जस्ट अबाउट दिस मच। एंड फेस पे पता नहीं क्यों, समर्स में भी, अभी समर्स आ गई हैं दोस्तों, लेकिन समर्स में बिना स्किन एकदम ड्राई फील हो रही है मेरी। सो आई थिंक कि समर्स में भी स्किन को उतना ही मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा जितना विंटर्स में रखना पड़ता है, स्पेशली लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं मेरे, मे बी ये वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। ये काफी ज्यादा ऑयली है तो थोड़ा सा मैं टिश्यू से जो है इसको पैड ड्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा जो है एक्सेस में निकाल रही हूँ। ओके, नाउ इट्स गुड। फाउंडेशन अप्लाई करने दोस्तों, इस तरीके का जो स्पंज है मुझे अच्छा लगता है तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। और ये फाउंडेशन है, मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ, ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन, और ये इस तरीके का है। इतना सा लिया मैंने, जस्ट अबाउट 2 ड्रॉप्स, और देखते हैं कि इतने में कितनी कवरेज आती है। अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं और ले लूंगी। सो पहले डॉट 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 करके, बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी है दोस्तों इसकी। सो ओके, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। अभी जो है स्पंज की मदद से जो है मैं इसे
तो वो जब भी मैं ऐसे स्पंज यूज करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करूँ, बिल्कुल सॉफ्टली इस तरीके से जो है ब्लेंड करना पसंद करती हूँ. एंड तो ये मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है, तो जितना मुझे लग रहा है कि इसने ठीक ठाक जो है कंसील कर दिया है, बट आई गेस थोड़ा सा एक और कोट इसकी लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा और लेती हूँ इसे एंड इसे दूसरी बार मैं बिल्डअप करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था पहले. सो दोबारा से जो है मैं इसको बिल्डअप करूंगी. ओके दोस्तों, सो ये मैंने जो है अभी इसको दूसरी बार मैंने लगाया है फाउंडेशन को, एंड नाउ आई कैन सी कि डेफिनेटली इसने जो है मुझे फुल कवरेज दी है, और थोड़ा सा मुझे इसे बिल्डअप करने की जरूरत पड़ी, बट नाउ आई फील कि इट्स गुड. अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ इसे लगाकर, और अभी मैं देखना चाहती हूँ कि कॉम्पैक्ट से इसे मैट करने के बाद ये कैसा लगेगा. अभी तो फील इसकी मुझे बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल आ रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी एज ऑफ नाउ. अभी मैं कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लूंगी. ये सिंपल सा है, कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मैं, और ये भी नेचुरल शेड का ही है, ये मोनरो का कॉम्पैक्ट है, और ये वाला इस तरह का शेड है ये. सो इससे जो है इसके पाउडर पफ से ही मैं इसे सेट करूंगी. आई कैन नाउ डेफिनेटली फील डिफरेंस दोस्तों. पाउडर से सेट करने के बाद जो है एकदम ये बहुत ही सुंदर लग रहा है. या सो या दोस्तों, दैट्स इट. दिस इज हाउ माई फेस लुक्स लाइक, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फाउंडेशन. थोड़ा सा इसे मुझे दोबारा लगाना पड़ा क्वांटिटी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कम ली थी, और डेफिनेटली कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. जो सारी फाइन लाइन्स वगैरह थी, सारे जो स्पॉट्स वगैरह थे, सब कुछ कंसील हो गए हैं. जो मेरे आंखों के नीचे पिगमेंटेशन थी वो भी कंसील हो गई है, एंड बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल मैट लुक आ रहा है. ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही टू मच कुछ लगा रखा है. सो बहुत ही नाइस नेचुरल सॉफ्ट मैट लुक आ रहा है, जो मुझे अच्छा लगता है. मुझे ज़्यादा फाउंडेशन लगाना अच्छा नहीं लगता है. सो इफ यू आर समबडी लाइक दिस, यू कैन ट्राई द फाउंडेशन. ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, 100 रुपीज में. आई थिंक सुपर डुपर बढ़िया फाउंडेशन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसे परचेज किया, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे आए. सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड या दैट्स इट. इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और शेयर भी जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है. और मैं अभी बढ़ती हूँ आगे के मेकअप, आईब्रोज वगैरह सब कुछ करूंगी. अभी जस्ट मैंने फाउंडेशन का ये मैं रिकॉर्ड किया मैंने. सो दैट्स इट दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय.